बालाघाट जिले में लुप्त होती बैगा संस्कृति को बचाने के लिए बैहर में बैगा ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसका रविवार को समापन किया गया। आयोजन का यह तीसरा वर्ष है। इस वर्ष 4 राज्यों के 8 जिलों के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस वर्ष बैगा ओलंपिक का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करते हुए इस बैगा ओलंपिक की जमकर तारीफ भी की। बैगा ओलंपिक में एडवेंचर गेम को भी शामिल किया गया है। 3 दिवसीय बैगा ओलंपिक के अंतिम दिन रविवार को अलग अलग जिलों के खिलाड़ियों ने अपने खेलों का प्रदर्शन किया, जिसमें कबड्डी, खो खो, तीरंदाजी में भी बैगा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं रात्रि के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। बैगा ओलंपिक की उपस्थित जन समुदाय ने सराहना की। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि आने वाले वर्ष में इसे पर्व के रूप में मनाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि पूरा बैगा समाज इसमें शामिल हो सके। भविष्य में इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और इसमें कई नई जो है कार्यक्रम साथ साथ रखे गए थे, जैसे कृषि मेला, वृद्ध स्वास्थ्य शिविर, रोजगार मेला और अंतोदय मेला। तो इसमें बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और बैगा म्यूजियम भी यहाँ बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है। साथ में इसको भविष्य में भगोरिया पर्व की तरह भी मनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा बैगा समाज ही जो है एक तरह से इस आयोजन को मनाए और भविष्य में इसको और भव्य रूप से और तैयारी करके इसको आयोजन को मनाए। राष्ट्रीय स्तर की जो इस वीक में की संस्था है उनकी तरफ से हमारे 3 नृत्य दल यहाँ पे आए हुए थे, जो पश्चिम बंगाल, मणिपुर और राजस्थान से थे। और इन तीनों दिनों में इनकी प्रस्तुतियाँ हुई, जिससे कि आम जनता को बहुत इसमें इनकी उन्होंने इसमें बहुत इंजॉय किया। और ये आगे भी प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहे।
जिले के बैहर तहसील मुख्यालय के खेल परिसर में आयोजित 3 दिवसीय बैग ओलंपिक में बालाघाट जिला चैंपियन रहा, जबकि डिंडौरी के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। रविवार को इस 3 दिवसीय बैग ओलंपिक का समारोहपूर्वक समापन किया गया। समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों के हस्ते सम्मानित किया गया। बालाघाट से BNN टाइम्स की रिपोर्ट।